आज मैं आपको टेबल ऑफ रेशियो ऑफ डिफरेंट एंगल्स जो एक्सरसाइज 9.8.2 के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और ये आपको 10th से लेके 11th 12th आगे क्लास में आपको काम आने वाला है। तो देखो इजीली वे में हम इसको कैसे फाइंड करते हैं, बहुत इजी है। जैसा कि आप देख पा रहे हो, आप मैंने रेशियो लिख डाला साइन कॉस टेन कॉट सेक एंड कॉसेक एंड 0 to 90 तक हमने वैल्यू लिख डाली है। क्या करेंगे यहाँ पे, बहुत इजी तरीका। एक बार ध्यान से आप अगर देखोगे ना तो बहुत ही मैं समझता हूँ इजी वे में बन जाएगा। आप 0 1 2 3 एंड 4 कॉन्सिक्यूटिव नंबर ले लो। आप क्या लेना, पहले 0 1 2 3 एंड 4। आफ्टर दैट आपको क्या करना है, 4 से सब में डिवाइड करना है। क्या करेंगे हम, 4 से सब में हमने डिवाइड किया। क्लियर, फर्स्ट स्टेप 0 to 4 तक हमें लेना है। 0 के सामने 0, 30 के सामने 1, 45 के सामने 2, 60 के सामने 3 एंड 90 के सामने 4। अगेन हमने क्या किया, 4 से सब में डिवाइड किया। एंड थर्ड वन स्टेप, सब पे आपको रूट देना है। क्लियर, यहाँ तक क्लियर है ना। अगेन आप देखो किसी भी नंबर में, किसी भी 0 से किसी भी नंबर में डिवाइड करते तो क्या आता है, 0 आता है। सो आप यहाँ देखना 0, अगेन 1 का रूट 1 और 4 का रूट कितना हो जाएगा हमारा, 2, यानी 1/2। 2 2 सा 4 1 1 हो जाएगा आपका, और रूट 2 का रूट 2 होता है, 2 को हम नहीं कर सकते। 4 यहाँ देख लो 3 रूट 3 एंड 4 का 2 एंड ये कैंसिल होके यहाँ पे 1 बचा रहा है। देखा कितना इजी वे में, ये आपका जो हम करके लाते हैं ना, ये साइन की वैल्यू हो जाती है। साइन 0 to 90 का, साइन 0 की वैल्यू 0, 30 की वैल्यू 1/2, 45 की वैल्यू 1/√2, 60 की वैल्यू √3/2 एंड 90 की वैल्यू 1/2। अब आप देखना, अगर आपको एक याद हो गया ना तो बाकी के जो 5 हैं बहुत ही इजी तरीके से, साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉस, इसको मैं डायगोनली लिखा हूँ, ये डायगोनली इक्वल होते हैं। डायगोनली इक्वल का मतलब क्या, साइन आपको जा रहा है इधर से, इसके रिवर्स आ जाओ आप। क्या करना है, रिवर्स आओगे ना तो आपको कॉस की वैल्यू आ जाएगी। देखना कॉस 0 की वैल्यू, यहाँ पे cos 0 की वैल्यू 1 और cos 30 की वैल्यू √3/2, अगेन cos 45 की 1/√2, ये चेंज नहीं होता है, सेम रहता है। फिर 60 की वैल्यू 1/2 एंड 90 की वैल्यू 0। क्लियर है ना, इजी। हमें एक की वैल्यू याद होनी चाहिए, एक की वैल्यू हमने फाइंड कर ली, इजिली हम फाइंड कर सकते हैं बाकी के। अब आई बात टेन की, आपको मैंने इससे पहले के सेशन में बताया था, टेन थीटा इज इक्वल टू होता है sin θ/cos θ। ओके, क्या होता है, sin θ/cos θ। अब आप देखना यहाँ sin/cos tan, सो tan 0 की बात करें तो sin/cos sin 0 डिग्री/cos 0 डिग्री 10 0 डिग्री होगा। सो आप देखो 0 में किसी भी नंबर से हम डिवाइड करते हैं, क्या आता है हमारा, 0 आएगा। अब यहाँ सेम √2 √2 जा रहा है हमारे, यहाँ पे आ जाएगा 1/√3, सेम ये कैंसिल हो जा रहा है, 1 एंड 2 2 कैंसिल होके हमारा क्या आ जा रहा है, √3। एंड किसी भी नंबर में अगर हम 0 से डिवाइड करते हैं तो हमारी वैल्यू क्या आ जाती है, इनफाइनाइट आती है। क्लियर है, की वैल्यू हमें 0 दी है, तो cot 0 की वैल्यू क्या हो जाएगी, इसके नीचे 1 छिपा हुआ है तो यहाँ इनफाइनाइट, अगेन यहाँ हमारा हो जाएगा √3 और 1, यहाँ हो जाएगा 1/√3 और यहाँ हो जाएगा 0। क्लियर, अब फिर से देखना sec किसका इन्वर्स होता है, cos का ले लो आप भाई, 1 2/√3 अगेन √2 एंड यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा 2 एंड यहाँ पे इनफाइनाइट।
क्लियर। इसी तरह अगर हम कॉसेक की बात करें, कॉसेक किसका हो जाएगा, साइन का, साइन ज़ीरो यहाँ पे इनफाइनाइट, यहाँ पे क्या हो जाएगा यस टू, यहाँ पे रूट टू, अगेन यहाँ पे टू बाई रूट थ्री और यहाँ पे आपका वन। सो दिस इज द 0 to 90s वैल्यू ऑफ द साइन कॉस टेन कॉस एंड से कॉसेक। सो मैं समझता हूँ कि आपको यह समझ में आया होगा। आपको केवल एक ही चीज़ इसमें ध्यान रखना है, केवल साइन। मैं थोड़ा सा समरी आपको फिर से बता दूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या किया, रेशियो यहाँ पे लिखा और 0 to 90। इसके बाद हमने किया कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स, यानी 0 से स्टार्ट करके हम 4 तक गए। इसके बाद सभी में 4 से हमने क्या किया, डिवाइड किया, अगेन सबको हमने रूट, सब पे रूट डाला। अब जो हमारा वैल्यू आता है ना, वो साइन की वैल्यू आ जाती है। किसकी वैल्यू आती है, साइन की। अगेन साइन का डायगोनल कॉस होता है, यानी कि साइन सीधे जा रहा है तो इसको रिवर्स ले लोगे तो आपको कॉस की वैल्यू, देखो साइन ज़ीरो की वैल्यू 0 और कॉस 0 की वैल्यू 1, यानी कि यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। अगेन आप यहाँ देखो, यहाँ ये चला गया यहाँ, और साइन बाई कॉस टेन, इसी तरह कॉट, हम पता है हमको कि टेन का इनवर्स कॉट होता है और कॉस का कॉस सेक होता है, साइन का कॉसेक। तो इस इजी वे से आप फाइंड कर सकते हो। आई होप कि आपको यह समझ में आया होगा। थैंक यू।